हो? इसे बंद करी, किसको बंद कर रही हो? इस बॉल को बंद कर रही हो? ओ गिर गई। आप तो बड़ी प्यारी लग रही हो, बड़े नन्हे मुंह पे पहने हैं आज तो। अरे जूजू जूजू पिया? हम जूजू पी लिए, खाना खा लिए। चलो ओके बाय, ओके बाय, ओके बाय, ओके बाय। Assalamualaikum guys, welcome back with today's vlog. So guys, कल के दिन तो मैंने कुछ भी नहीं किया, सारा दिन मैं vlog देखता रह गया हूँ, कह रहा हूँ सारा दिन मैं सीजन देखता रह गया हूँ। अच्छा यार, सीजन की भी बड़ी एडिक्शन होती है, और दिल करता है बस आप एक ही दफा ना सारा सीजन मुका के उठो, मतलब खत्म करके उठो। खैर, जैसे कि मैंने आप लोगों को दो दिन पहले बताया था, कार की ना स्क्रीन पे वहाँ पे सारा कीचड़ आया हुआ था, और गाड़ी बहुत गंदी हुई थी बारिशों की वजह से, कीचड़ में चल चल के। तो अब मैं जा रहा हूँ कार सर्विस करवाने के लिए। अच्छा, ये चीज़ भी पता है क्यों साफ हो गई? ये इस तरह से साफ हो गई कि मैं गया हुआ था कार को पेट्रोल डलवाने के लिए, तो पंप वाले ने ना स्क्रीन साफ कर दी थी आगे, तो ये चीज़ भी इस वजह से साफ हो गई थी। तो फाइनली अब मैं जा रहा हूँ कार सर्विस करवाने के लिए, सो स्टे ट्यून्ड। अच्छा यार, एक भाई ने ना कमेंट किया हुआ था व्लॉग में ना कि आप ना कोको को भी व्लॉग में लेके आए, और यार सीन ये था कि जिशान को मैंने दिए हुए ना आजकल, तकरीबन मैंने एक हफ्ते के लिए उसको दे दिया, मैं दो चार दिन बाद ले आऊँगा वापस उसे। खैर, तो मैंने उससे मिलने जाना था, लेकिन ना जिशान के हो रहे हैं पेपर्स, तो इस वजह से ना वो ज़रा बिजी था पेपर्स में, तो वो घर भी नहीं था, वो लोग कंबाइंड स्टडी कर रहे थे, एक और दोस्त कर रहे थे वो लोग, तो इस वजह से नहीं मिल सका मैं। तो आज वो फ्री हो गया, और मैंने उसे अभी कॉल की थी यार तू कहाँ, मैं कोको से मिलने के लिए आ रहा हूँ, तो वो खुद भी कहीं गया हुआ है, तो वो जैसे ही मेरा टाइम सेट होता है ना तो मैं कोको से मिलने के लिए जाता हूँ। अब जाएगा जाएगा, टेंशन नहीं लेनी भाई, जाएगा जाएगा। अब यार ये भाई लगवा रहा है, और ये मुझे बड़ा डर लगता है इस चीज़ से, गाड़ी गिरी में जाए। ओके यार, वो देखिए वो गाड़ी सर्विस हो रही है, और मैं यहाँ बैठा हूँ, आज तो अच्छी खासी गर्मी है यार। मैंने यहाँ पे ये चीज़ नोट की, अगर आप घर से बाहर किसी भी बाहर वाली जगह पे अगर हम ब्लॉग वगैरह करते हैं, तो यार लोग ऐसे घूरते हैं जैसे पता नहीं कौन सा ऐसा काम है जो मैं कर रहा हूँ और बाकी लोग नहीं कर रहे। इस तरह से अक्सर लोग कहते हैं ना कि भाई वो लड़कियों को लड़के देखते हैं, तो आप ब्लॉगिंग करना स्टार्ट करें, देखें आपको सारे ऐसे देखेंगे जैसे आप लड़की और आप लड़के आपको देख रहे हैं। मेरे पीछे इतना खूबसूरत व्यू आ रहा है, मुझे पता ही नहीं था यहाँ पे तो बड़ा खूबसूरत व्यू है। ये तो मैंने अभी वीडियो बनी है, तो मैंने वीडियो में देखा है कि यार वीडियो में बड़ा खूबसूरत सीन आ रहा है। मैंने क्या बात है, गाड़ी पे यार इन्होंने सब सुर्ख लगा दी और गाड़ी चल रही है, बस ये 15-20 मिनट काम है, उसके बाद भी हो जाएगा सर। अच्छा यार, अगर जब भी आप लोग भी अगर गाड़ी सर्विस करवाते हैं ना, तो यार गाड़ी के ना फिल्टर्स लाजमी साफ करवा लीजिए करें। एक होता है आगे इंजन वाले साइड पे, और एक होता है डैशबोर्ड के अंदर, तो ये दोनों क्लीन करवा लिया करें। सर्विस गाड़ी की ट्यूनिंग का इंतजार नहीं किया करें, लेकिन पहले ही करवा लिया करें। इससे ना यार अगर हम फिल्टर साफ ना करवाएं ना, तो हमारी गाड़ी बड़ी घुट घुट के चलती है, अगर हम उसको भगाएं तो भागती भी नहीं है, तो ये थोड़ा सा ना ख्याल किया करें, फिल्टर्स लाजमी साफ करवा लिया करें। पब्लिक सर्विस मैसेज है। मैंने कहा यार आया तो वैसे ही मैं पेट्रोल भी डलवा लूँ। ओके ओके, कि ये साइड पहले गंदी हुई हुई थी, दाढ़ी बहुत बिछड़ बिछड़ हुई थी, उसने सर अंदर भी बड़े पॉलिश पुलिस मारे हैं। मैंने कहा क्या बात है, अबे भाई इसको ठीक कर ले, पेट्रोल भी डलवाया, जल्दी ठीक कर, जल्दी ठीक कर, 5-6 मिनट लेता है ठीक करते करते। बिल खड़ा हुआ है यार, वो सीन ऐसा होता है, असल में मेरे घर के ना रास्ते में आता मुदम्मी लगर, तो मैं चलते फिरते ना मुजम्मिल घर से होता रहता हूँ। मुझे ना एक चीज़ याद आ गई, मैंने जायज़ कैसे पैसे निकलवाने थे, तो वो मैं भूल गया था, तो मैंने कहा मुजम्मिल चलो साथ चलते हैं, साथ चल के पैसे निकलवाते हैं।
तो भाई पैसे ऐसे निकाल लिए हैं और बस यार अब मैं घर जा रहा हूँ। घर से भी कॉल आ गई अम्मा की और बस अब घर जाते हैं। अरे यार सीन ये है कि पैसे वगैरह निकाल लिए हैं, मैं यहाँ बैठा हुआ और मुजम्मिल गाड़ी चला रहा था। मुजम्मिल गया है गोश्त लेने के लिए और मैं गाड़ी में बैठे इंतजार कर रहा हूँ और घर से भी कॉल आ चुकी है कि आपको कुछ दिन देर क्यों लग गई है। तो बस गाइस अब मैं घर जा रहा हूँ और इंशाल्लाह आज की तारीख में कोको से भी मिलना है हमने इंशाल्लाह। क्या कर रहे हैं सूट है कहीं नहीं आप देंगे लग वाकई नहीं है सीरियसली गाड़ी में पड़े हैं मैं कल ले जाऊंगा। हो गए यार ऐसे कैसे आए तो थे ना। हाँ बस ठीक है आने आने चाहिए बस उड़ाने चाहिए। नाजरीन मैं निकला हुआ था बाहर मम्मा को डॉक्टर चेक करवाने के लिए, डॉक्टर चेक करवा लिए तो वहाँ से वापसी भी आते हैं। मैंने बकरों के रेट पता किया वैसे ही कुर्बानी वाले बकरों के, तो यार छोटे छोटे कमज़ोर कमज़ोर से बकरे और उनके रेट 65,000-75,000, 20-25 किलो के बकरे और 65-70,000, इतने महंगे बकरे, बहुत महंगाई हो गई यार। तो गरीब लोग तो बिल्कुल भी फिर कुर्बानी कर ही नहीं सकते होंगे। खैर मैं इसी साइड पर आया था तो मैंने कहा चलो कपड़े भी उठा लेते हैं, कपड़े वगैरह उठा लिए और मैं घर वापस जा रहा हूँ स्ट्रेट रोड। नाज़रीन सीन ये है रात के बज रहे हैं 12 और मुजम्मिल और मैं आए हुए हैं अपनी भांजी का ना टेम्पर लेने। और ना आजकल ना कोई इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट फॉल की वजह से ना मार्केट्स भी जल्दी बंद हो रहे हैं तो पता नहीं हमें टेम्पर मिलते हैं या नहीं मिलते। होप फॉर द बेस्ट। तो नाज़रीन जैसा कि आप देख सकते हैं पैम्पर चैम्पर आ गए हैं। तो नाज़रीन आज की वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।